तो राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल सबके, कैसे हो सब। तो वापस से आ चुके हैं एक न्यू वीडियो में, और इस टाइम पे मेरा स्कोर देख सकते हो 37,187 है। और यहीं पर हम करेंट रैंकिंग की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो 46 नंबर पे अभी मैं रीजन पे चल रहा हूँ। चलो आपको यहाँ पर मैं स्क्रोल करके रीजन पे दिखाता हूँ, तो देख सकते हो यार मैं अभी के टाइम पे 46 नंबर पे ही हूँ। चलो यहाँ पर प्रोफाइल ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी के टाइम पे मैं सोलो खेल रहा हूँ। अब चलो यार मैं आपको वेपन ग्लोरी में दिखाऊं, तो यहाँ पर देख सकते हो कि मैं ग्रोजा पे टॉप वन इंडिया पे हूँ। और यहीं पर चलो मैं आपको लीडर बोर्ड में दिखाऊं, तो यहाँ पर देख सकते हो किल के मामले में मैं अभी टाइम पे टॉप वन पे चल रहा हूँ। मेरा यहाँ पर 9,799 किल हो चुका है। और यहाँ पर आपको विनिंग में दिखाऊं तो देख सकते हो यार मैं अभी टाइम में टॉप वन पे चल रहा हूँ, और यहाँ पर मेरा विनिंग हो चुका है 941। तो यार चलो अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करूंगा, सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यार इस वाले कमेंट को देखे तो यहाँ पर संतोष भाई कहना है कि भाई डुओ का फुल वीडियो डालो। तो लो भाई संतोष सर, आपके लिए डुओ का फुल वीडियो लेके आ गया हूँ मैं। और इस वाले वीडियो में फुल ट्राई करूंगा कि आपको मैं डुओ का टिप्स एंड ट्रिक दे सकूँ। तो सबसे पहले टिप्स है यार कि आपका डुओ पार्टनर एकदम सही होना चाहिए, बोला जाए तो गेम प्ले अच्छा, और उसका माइक ओपन और टीम वर्क भी होना चाहिए। माइक ओपन ऐसा इसलिए क्योंकि यार अगर आप डुओ खेलो तो माइक ओपन करना जरूरी है, तभी तो यार अगर सामने एनिमी आ गया तो उसका आप लोकेशन दे सको अपने टीममेट को। अब यार देखो दूसरा टिप्स निकल कर आता है लैंडिंग। अगर आपका गेम प्ले अच्छा नहीं तो लैंडिंग बहुत ही मायने रखता है। लैंडिंग बोला जाए तो आपको जितना दूर हो सके उतना दूर उतरना है, और दूर उतरने का यह मतलब नहीं है कि यार कि जहाँ बंदे आ रहे हैं आप वहीं उतर जाओ। आपको ऐसा लैंडिंग करना है जहाँ पे भाई बंदे आने की संभावना ना रहे और वहाँ पर आपका एकदम प्रॉपर लूट हो जाए। तो देखो यार इस टाइम पे मैं वही कर रहा हूँ कि जितना हो सके उतना दूर उतर रहा हूँ, और इतना ध्यान रख रहा हूँ कि भाई वहाँ पे बंदा ना जाए। यहाँ पर आपने सुना कि मेरा टीममेट बोल रहा है कि एक बंदा आ रहा है, तो यार देखो एक ही बंदा आ रहा है तो इसको आप आराम से मार सकते हो। तो देखो यहाँ पर मैं लैंड करता हूँ और अपने बंदे को बोलता हूँ कि भाई तुम बंदे के पास जाओ, मैं इधर से कवर दूंगा, गन मिल जाएगा। तो और मैंने यह भी बोला कि भाई उस बंदे पे सीधा रस ना करना, थोड़ा होल्ड के रखना बंदे को जब तक कि मेरे पास गन अच्छा ना आ जाए। तो यहाँ पर मेरे को गन मिल चुका था एक, और देखो यहाँ पर मैं बंदे को डैमेज करता हूँ, मेरे टीममेट को कॉल भी देता हूँ कि भाई चढ़ो बंदा बहुत ही डैमेज है, मार दोगे आराम से। और यहाँ पर होता है ऐसा है कि मेरे टीममेट उस बंदे को मार देता है, लेकिन भाई मेरे टीममेट का भी यहाँ पर सोनी एक्टिवेट हो जाता है पर बंदा डाउन हो जाता है। यहाँ पर तो मैं आप लोग को एक बात बताना भूल ही गया कि पेट में आपको एक बंदे को फाल को रखना है और भाई एक बंदे को ड्रेकी रखना है, ठीक है। देखो एक पेट तो आपका लैंडिंग का काम आएगा और एक आपका लोकेशन देने का काम आएगा। लैंडिंग के लिए फाल को इसलिए क्योंकि अगर आप डाउन होकर मर जाते हो तो आपका टीममेट रिवाइव करता है, तो आपको लैंडिंग करने में आसानी हो। और ड्रेकी इसलिए क्योंकि यार देखो बंदा अगर सामने रस कर रहा है और आप उसको डैमेज दे तो बंदा मेडी मारेगा, तो उसका आपको लोकेशन मिल जाएगा। अब यार देखो मैं सच बोल रहा हूँ कि आपको ऐसा टिप्स एंड ट्रिक कोई नहीं देगा, तो अब क्या कर रहे हो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। तो भाई लोग मेरे को कमेंट करना किया और मेरे टिप्स एंड ट्रिक आपको कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा होगा तो भाई प्लीज यार एक लाइक कर देना जरूर यार। बंदा 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 बंदा। अब यार देखो यहाँ पर माइक ओपन करने का बहुत फायदा है क्योंकि अभी मेरे टीममेट ने मेरे कॉल दिया कि एक बंदा आ चुका है, पर मैं उसको बोला भाई मार्क कर, लेकिन भाई वो मार्क कर ही नहीं रहा है। अब यहाँ पर देखो मेरे जस्ट सामने ग्लूबल लगा है लेकिन भाई मेरे को दिखाई नहीं दे रहा कि बंदा कहाँ पे है, पर जैसे यहाँ पर बंदे का फायर आया मेरे को बंदे का लोकेशन पता चल गया। अब यार इस बंदे को तो मेरे को फिनिश करना पड़ेगा यहाँ पर। अब यार यहाँ पर मैंने अपने टीममेट को बोला कि वो बंदा यहाँ पर नॉक हो जाएगा तो चलो रस करो सामने, लेकिन यहाँ पर देखना मेरे साथ गलत सीन हो जाता है। मैं बंदे पे जाता हूँ रस करने और बंदे को मारता हूँ लेकिन एम कनेक्ट नहीं होता और बंदा मेरा सोनियो दिमित्री ऑन करवा देता है यार। अब यार देखो इस वाले बंदे का टीममेट भी यहाँ पर आ गया और अच्छा फायर कर रहा है, लेकिन चलो यहाँ पर मैं रिवाइव हो जाऊंगा। पर यार यहाँ पर जब हम जिस बंदे को मारे वो बंदा यहाँ पर अपने टीममेट को कॉल दे रहा होगा कि भाई बंदे बहुत डैमेज रस कर दे, पर वो बंदा यहाँ पर रस ही नहीं किया। अगर उसका टीममेट यहाँ पर उसका बात मान के रस करता तो भाई हमको आराम से यहाँ पर लपेट देता, मतलब यार लपेटने का मतलब है एलिमिनेट कर देता हमको। पर चलो यहाँ पर तो हमने एक डुओ को खत्म कर दिया है। अब देखो यार यहाँ पर हमारा लूट अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाता, तो हम चलो चलते हैं चाबी लेके लूट हाउस खोलने के लिए। लेकिन यहाँ पर देखना कोई और डुओ जस्ट अभी अभी आके लूट हाउस खोला है। बंदा, बंदा, बंदा। अब यहाँ पर हम इन बंदों से भाई फाइट लेने वाले हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर टिप्स दूंगा कि अगर आप फाइट नहीं कर पाते तो यार आपको फाइट लेना ही नहीं है। अगर आपको यहाँ पर लूट हाउस को लूट ही करना है तो देखो एक बात बोलूंगा मैं आपको कि जैसे यहाँ से बंदे भगते हैं वैसे आपको पीछे से लूट हाउस को आराम से लूट कर सकते हो। अब यार यहाँ पर देखो कि हम इन बंदों से कैसे फाइट लेते हैं एकदम भाई कोलिंग कोल देख। अरे
तो यार यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि हम इन बंदों से किस प्रकार से फाइट लिए यहाँ पर। अब देखो यार कि आप लोग फाइट लियो वहाँ पर तो थर्ड पार्टी होने का चांस है, तो देखो कि यहाँ पर एक और स्क्वाड मतलब डुओ आ जाता है। अब आप लोग देखना कि इन बंदों कैसे यहाँ पर हम लोबी का टिकट पकड़ाते हैं। अब यार यहाँ पर मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि यार देखो भाई का माइक थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा आ रहा है, तो यार आप लोग थोड़ा सा एडजस्टमेंट बोलते हैं इंग्लिश में उस शब्द से, आप एडजस्टमेंट क्या बोलते हैं उसको कर लेना। मतलब यार थोड़ा इंग्लिश वीक है तो हिंदी में बोले तो थोड़ा सह लेना यार। अब आपने अब तक देखा कि हमने यहाँ पर किस प्रकार से फाइट लिया बंदों से, और भाई दो डुओ को यहाँ पर हमने फिनिश कर दिया। आप लोगों को तो मैंने एक बात बताना भूल गया यार कि ये जो लोबी है एकदम हार्ड लोबी एकदम टाइट लोबी है। अभी तक तो यहाँ पर हमने दो से तीन डुओ ही मारे हैं, लेकिन यार आपको बोलूंगा कि इस वीडियो का फुल देखना, मतलब पूरा लास्ट तक। इस लोबी में इतने तगड़े बंदे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, बस यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ। अब यार यहाँ पर देखो मैं मैप में डिसाइड कर रहा हूँ मेरे टीममेट के साथ कि जोन कहाँ पे बन सकता है, तो हमने जोन का प्रिडिक्ट किया है इस ब्रिज के ऊपर। अब चलो हम चलेंगे ब्रिज के ऊपर और देखते हैं कि मेरा प्रिडिक्ट सही होता है या नहीं होता। अब यार यहाँ पर देखो कि जोन हमेशा तो सामने वाले घर में ही बनता है, तो मेरे को लगा क्यों ना सामने वाले घर में ही चला जाए, लेकिन यहाँ पर मेरे टीममेट ने बोला कि सामने बंदा है जाना ही नहीं भाई पीछे चलो। अब यहाँ पर हमने डिसाइड किया कि भाई हमको ब्रिज में ही जाना चाहिए। यहाँ पर तो हम ब्रिज के ऊपर आ गए थे, लेकिन यहाँ पर होता क्या है। तो यार यहाँ से तो हम निकल पड़े थे भाई जोन की तरफ और इस वाले घर में यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर जोन का तो पूरा एरिया मतलब सेंटर पूरा यहीं पर बना था, तो भाई हम इस वाले घर में कैंप करने लग जाते हैं। ये वाला लोबी इतना हार्ड है कि भाई हम इस वाले घर में करीबन 1.5 मिनट कैंप किए हैं, और हमको यहाँ पर आजू बाजू फाइट देखने को मिल रहा था, लेकिन हम थर्ड पार्टी नहीं कर पा रहे थे। ऊपर जा सकते तो बहुत बहुत। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि हम किस प्रकार से भाई जोन रोटेशन काटे और कितना कितना टाइम तक यहाँ पर हम कैंप किए। तो यहाँ पर मैं आपको एक और टिप्स दूंगा कि आप ज्यादा ज्यादा जोन रोटेशन काटो, और भाई ऐसा कैंप बनाओ कि जहां आपको एकदम लार्ज सर्कल तक ले जाए। और एक बात है यार इंग्लिश में कि आपके पास पेशेंस होना चाहिए, तभी यार आप गेम को इजीली आराम से बुया निकाल सकोगे। अब आप लोग देखना कि जस्ट हमारे सामने एक बंदा है, और भाई ये बंदा हमारे घर में आने का प्रयास करेगा, लेकिन हम इसको यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे। पर यार मैं बोलूं तो ये वाले बंदे को हम यहाँ पर किल नहीं कर पाते, कोई दूसरा यहाँ पर इस बंदे को किल कर देता है। यहाँ पर देखो यार सामने एक डू है और इन पे कोई फायर कर रहा है, तो भाई मैं यहाँ पर थर्ड पार्टी लेने का प्रयास करता हूँ फुल एकदम। पर यहाँ पर मेरे टीममेट बोलता है कि अकेले अकेले मत मारो, जोन भी चल रहा है, तो मैं यहाँ पर जितना लाइन मैन लगाऊँ उसको यहाँ फोड़ दो। अब यहाँ पर एक और टिप्स दूँ कि यार जिस घर में आप कैंप कर रहे हो वहाँ पर आपका टीममेट को लैंड माइन लगाने के लिए और आपका टीममेट को ऊपर चढ़ा दो, क्योंकि आपका टीममेट जो लैंड माइन लगाएगा वो आपके ऊपर तो फूटेगा नहीं। अब देखो यहाँ पर हम इन दोनों बंदों को कैसे फिनिश करते हैं। यहाँ पर देखो कि मेरा टीममेट नॉक हो जाता है पर रिवाइव हो जाएगा, और मैं इसको बोला जल्दी रिवाइव हो और नीचे आओ, लेकिन यार एक बात है कि यहाँ पर आप जो गेम प्ले मेरा देखोगे वो देखने के बाद एकदम आप फिदा हो जाओगे। ऊपर नहीं नीचे, इधर बंदा इधर, एक काम करो मैं गाड़ी देखने जाऊंगा, ठीक है। मारो इधर, मारो इधर, मारो इधर, मारो किधर, सामने सामने सामने, एक काम करता देख काम पर मैंने तुम करके वो करना है, वो करना करना, मारो मारो तुम, मारो मारो एक को मार दो, चलो भाई ओके दिया।
अब यार यहाँ पर मैं आपको अभी भी बोलूंगा और आगे भी बोला था कि आपके पास एक गाड़ी होना जरूरी है, होना ही चाहिए, क्योंकि अगर गाड़ी है तो आप गेम को इजीली बुया ले सकते हो। तो संतोष भाई मेरा डुओ वाला गेम प्ले आपको कैसा लगा कमेंट जरूर बताना, और यार किसी को किसी और प्रकार की वीडियो चाहिए तो मेरे कमेंट जरूर बताना, मैं लाने और दिखाने का प्रयास करूंगा। और अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा तो दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर इंग्लिश में, बाय।